साक्षी, अरे आ गए आप। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और सुबह माँ का फोन आया था, तो वो लोग आ रही हैं। ठीक है, तो खाना बना के रेडी रखना जी। और ऊपर वाला कमरा अपना रेडी रखना, ठीक है, क्योंकि अब माँ हमारे साथ ही रहेंगी। क्यों, क्योंकि क्या बात है, माँ है, अब उनका फोन आया था, वो हमारे साथ रहेंगी। मैं किसी के साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरे से खुद के काम नहीं होते, क्या मैं दूसरों के काम करूंगी। यार इसमें क्या बात है, तो वो माँ है, कहाँ जाएंगी बताओ। आप एक काम करिए, उन्हें ही रख लीजिए, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। अरे सुनो, मेरे बस की नहीं है किसी का काम करना, नौकरानी नहीं हूं मैं यहाँ पे, कर लेंगे जिसे करना होगा। अरे माँ आप यहाँ कैसे? बेटा तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं माँ, आप यहाँ कैसे? दामाद जी ने नहीं बताया तुझे? नहीं माँ, आप बताइए आप कैसे यहाँ? तेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। माँ लेकिन क्यों? वो कहने लगे तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकते, कहीं भी चली जाओ, तुम जाओ यहाँ से, कहीं भी चली जाओ। मैं क्या कहती बेटा, मैंने ना दामाद जी को फोन किया, उन्होंने बोला माँ जी आप चिंता मत करो, मैं आता हूँ लेने के लिए, लेकिन उनको ऑफिस जाना पड़ा तो मैं ही चली आई बेटा। माँ कोई बात नहीं, आप रोना बंद करिए, आप अंदर चलिए। बेटा तुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं ना, मुझे क्यों परेशानी होगी आपके यहाँ रहने से, आइए आप अंदर। अरे साक्षी, माँ आ गई? हाँ जी माँ तो आ गई, लेकिन राहुल आपने बताया नहीं कि माँ आ रही है। मैंने सुबह ही तुमसे बताया, लेकिन तुम गुस्से से लाल हो रही थी, मुझे लगा कि अब क्या बताऊँ, तुम सुनी नहीं मेरी बातें। राहुल मुझे लगा कि आपकी मम्मी आ रही है और मैंने इतना गंदा व्यवहार किया। यार यही तो दुनिया के जितने भी बहू हैं सबके मन में एक ही सितुल की बातें रहती हैं कि मेरी माँ माँ होती है और लड़कों की माँ अलग होती है। ऐसा क्यों सोचते हैं सब? जो लड़के की माँ बाप होते हैं वो भी इतना लाड प्यार से पाल पोस के अपने माँ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनका भी अरमान होता है कि हमारी बहू आए, हमें प्यार करे, हमें इज्जत दे, सम्मान दे। कभी भी किसी के माँ बाप के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है? इज्जत दो, सम्मान दो, प्यार दो, और वो भी आपको इज्जत सम्मान दे, क्योंकि वो यही उम्मीद करते हैं, ठीक है? सॉरी राहुल, मैंने इतना गंदा व्यवहार किया और आपने मेरी माँ के लिए इतना कुछ किया, और मैं आपके माँ बाप के लिए इतना कुछ बोल जाती हूँ, आप तब भी चुप रहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से इतनी बड़ी गलती हुई थी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और एक बात, माँ का एकदम ख्याल रखना, माँ को कोई कमी नहीं होनी चाहिए जी, ठीक है?